था कि अब आप ये दावत देंगे, सुबह से आपने गपशप पे टरखाया हुआ था, तो अब जाहिर है कलाम सुनाने का मौका आपने दिया है, बहुत शुक्रिया। एक शेर है कि सादा बंदा अंदर से पेचीदा होता है, सादा बंदा अंदर से पेचीदा होता है, बीवी से कुट खाने में संजीदा होता है। कहते हैं जी कि वो मियां बीवी का मौजू मजाकिया शायरी में बहुत ज्यादा आता है, तो जाहिर है बीवियां हैं ही इतनी ज्यादा, सही, चार चार की तो हर बंदे के पास गुंजाइश है, तो बीवी के मौजू की मैं समझता हूँ कि जिस तरह बीवियां चार गुना हो सकती हैं, तो बीवी के मौजू की चार गुना अहमियत मजाकिया शायरी में हमेशा रहेगी। हाँ, बात अलबत्त नए एंगल से करनी चाहिए। एक गजल है वो मैं सुना देता हूँ कि ओहदे को बीच ला के नया कुछ नहीं किया, ओहदे को बीच ला के नया कुछ नहीं किया, हर फायदा उठा के नया कुछ नहीं किया, और ताजा सुसर उड़ा के नया कुछ नहीं किया, ताजा सुसर उड़ा के नया कुछ नहीं किया, बच्चों से छुप छुपा के नया कुछ नहीं किया। शेर सुनेंगे कि करते हैं और लोग भी सुर लय पे फायरिंग, करते हैं और लोग भी सुर लय पे फायरिंग, तुमने भी हिन हिना के नया कुछ नहीं किया, और हम एक और ताजा फिर एक और ताजा जनाजे में आपने, फिर एक और ताजा जनाजे में आपने नौ सेल्फियां बना के नया कुछ नहीं किया, और सड़ियल मियां के पेट में लाने को कुछ मरोड़, चाय में कुछ मिला के नया कुछ नहीं किया, कच्चे घड़े जो पहले चुराती थी शौक से, कच्चे घड़े जो पहले चुराती थी शौक से, उसने घड़ी चुरा के नया कुछ नहीं किया, और तुमने भी अपने वालिदे मरहूम की तरह, तुमने भी अपने वालिदे मरहूम की तरह ससुराल दे मना के नया कुछ नहीं किया। क्या बात है। और जानू के नौ नहाल को छह माह तुमने भी, जानू के नौ नहाल को छह माह तुमने भी ट्यूशन फ्री पढ़ा के नया कुछ नहीं किया। और चमन वाला सुना दूं मैं, अच्छा शुक्रिया सुबाना जी जी, वो कथा है कि ये ऐसी अलालत है दवाओं से भी जिसमें थोड़ा सा किसी रोज अफाका नहीं होता, ये ऐसी अलालत है दवाओं से भी जिसमें थोड़ा सा किसी रोज अफाका नहीं होता, ये राज खुला घूम के खैबर ता कराची चवलों का कोई खास इलाका नहीं होता, असल शय का असील बंदे का कोई नेमुल बदल नहीं होता, दश्त में घूमता हर एक लोफर कैस के इक्वल, क्या बात, दश्त में घूमता हर एक लोफर कैस के इक्वल नहीं होता। और एक बाबा जी थे, उनका शादीशुदा बेटा घर से नाराज होकर चला गया, तो अब जो उसको वापस बुलाने के लिए खत लिख रहा है और अपने बेटे से कह रहा है कि दादी के लिए आ ना तू नानी के लिए आ, अच्छा दादी के लिए आ ना तू नानी के लिए आ, मर जाऊं तो मत फातिहा खानी के लिए आ, तस्वीर तेरी चूम के कहती है तेरी माँ, तू मुझसे खफा है तो जनानी के लिए, तू मुझसे खफा है तो जनानी के लिए। इस तरह पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर लाने का एक नुस्खा कि अपनी अजमत का लोहा मनवाया जा सकता है, अपनी अजमत का लोहा मनवाया जा सकता है, दुनिया भर को लम्हों में चौंकाया जा सकता है, घर घर बच्चे पैदा करके 12, 14, 16 सोनी धरती को भी चीन बनाया जा सकता है। और एक और कथा मुझे याद आ रहा है कि नेट प्रैक्टिस सही मोहब्बत के, आरजी डार्लिंग के क्या कहने, नेट प्रैक्टिस से ही मोहब्बत की, आरजी डार्लिंग के क्या कहने, दिल दिया जाने मन की आंटी को इस गलत पार्किंग के क्या कहने, आया क्या इस गलत पार्किंग क्या के अच्छा क्या है जी, क्या बहुत शुक्रिया। इश्क के टेक्निकल इदारे में मैंने कुछ रोज टीचरी की, इश्क के टेक्निकल इदारे में मैंने कुछ रोज
तीसरी की थी, वसल में सुस्तियां दिखाने पर मैंने रांझे की बेस्ती की थी। क्या अच्छा। मैंने रांझे की बेस्ती की थी और एक गजल के कुछ अशार आखिर पर के ऑटोमेटिक ये आर्ट होता है, ऑटोमेटिक ये आर्ट होता है, इश्क फौरन स्टार्ट होता है। क्या बात। ऑटोमेटिक ये आर्ट होता है, इश्क फौरन स्टार्ट होता है। औरतें कह रही थी आपस में, औरतें कह रही थी आपस में, मौलवी का भी हार्ट होता है, मौलवी का भी हार्ट होता है। और पकड़े जाना कहीं पे रंगे हाथ, रंग रलियों का पार्ट होता है। और जिसको बीवी कहे भला मानस, वो नहायत स्मार्ट होता है। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी। सर मजा आ गया बिल्कुल, हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ होंगे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो कहते हैं कि ज़ोर कलम और ज़्यादा हो, इसी ज़ोर कलम और ज़्यादा पर एक शेर कहता वो भी सुन लें। सुनाए ये इस पर थोड़ी सी इजाफा की है मैंने कि औलाद की तादाद को ए मेरे मुकर्रम, मुमकिन हो तो कर लीजिए फिल फौर ज्यादा। औलाद की तादाद को ऐ मेरे मुकर्रम, मुमकिन हो तो कर लीजिए फिल फौर ज्यादा। 10 साल के अरसे में फकत एक ही बच्चा, अल्लाह करे जोरे जन्म और ज्यादा। क्या बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हम आपसे इजाजत चाहते आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत और आपका अल्लाह ताला आपके फोरम को आबाद रखे और आपके इस जज्बे को अल्लाह सलामत रखे और अजीबों और शायरों की खिदमत करते रहें। ये बड़े फ़कीर लोग होते हैं, आपको दुआएं दें। बहुत शुक्रिया।